नगर पंचायत भूटा से आज मंगलवार के दिन रेन मसेरा शिफ्ट हुई उप तहसील बीजेपी प्रवक्ता विनोद ठाकुर ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। विनोद ठाकुर ने कहा कि भूटा नगर पंचायत से आज रेन बसेरा में शिफ्ट हुई उप तहसील से लोगों को इसका काफी लाभ मिलेगा। लोगों की बरसों से डिमांड थी कि भूटा उप तहसील को रेन बसेरा में शिफ्ट किया जाए, जो मांग आज पूरी हो गई है। विनोद ठाकुर ने कहा कि बहुत जल्दी ही उप तहसील के लिए चयनित की गई भूमि पर जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा, जिस पर तहसील का अपना भवन बनेगा और इसके लिए बजट भी स्वीकृत हो चुका है और वह आ भी चुका है। वहीं मौके पर नगर पंचायत की अध्यक्षा सपना सोनी, उपाध्यक्ष संजय धीमान, पार्षद अश्विनी सोनी, राजो देवी, बीना देवी, दीप कुमार, राजेंद्र वर्मा, पवन दत्याल, नमन, विनोद, अनिल धीमान आदि मौजूद रहे। सर, आज भोटो सीट जो है नगर पंचायत से रेन बसेरा शिफ्ट हो गई है, उसमें क्या लोगों को फायदा मिलेगा? भोटा नगर पंचायत के सम्माननीय अध्यक्षा मैडम सपना जी और उनके साथ सभी जितने भी नगर पंचायत के मेम्बरान हैं वो सब आज यहाँ पे, और भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और मैं इन सबको और भोटा नगरवासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि आज जो सब तहसील है वो नए भवन में, वो भी नगर पंचायत का ही भवन है, उसमें शिफ्ट हुई है। जो पुराना भवन था वो काफ़ी कंजस्टेड हो गया था, काफ़ी वहाँ पे रश रहता था, तो यहाँ पर तहसील आने से सब लोगों को सुविधा होगी। और जो भी लोग यहाँ पे काम करवाने भी आएंगे, अपनी रजिस्ट्री करवाने आ रहे हैं या अन्य किसी भी कार्य से आएंगे, तो उनकी सुविधा को देखते हुए आज ये तय किया गया। और काफ़ी दिनों से ये चर्चा चल रही थी, परंतु आज ये तहसील का जो भवन है वो रैन बसेरा में शिफ्ट किया गया। इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबका धन्यवाद। जो चयन की गई है भूमि उप तहसील के लिए, उसका काम कब शुरू होगा? हाँ, इसके लिए भी भूमि का चयन हो गया है, बजट उसमें आ गया है और जल्दी ही पीडब्ल्यूडी विभाग इसका टेंडर लगा देगा और नई जो हमारी बिल्डिंग है भव्य बिल्डिंग बन करके शीघ्र ही तैयार हो जाएगी। भोटा से एच टुडे के लिए रमन की रिपोर्ट।